गिरपुर नामक एक गांव में दो चोर मोनू और सोनू हुआ करते थे। वे बहुत खतरनाक और शातिर चोर थे। अरे सोनू, हम लोग पुलिस बन जाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगले ही दिन दोनों पुलिस का वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अरे सोनू, उस साइकिल वाले को रोको। साइकिल वालों को रोककर सोनू ने पैसे मांगना शुरू किया। बिना हेलमेट के साइकिल चलाना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, साइकिल चलाने के लिए कौन हेलमेट पहनता है, और मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अरे बेवकूफ, सड़क के ऊपर चलने वाला हर किसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए सोनू और मोनू ने मिलकर साइकिल को जब्त कर लिया और साइकिल वाला दुखी होकर सड़क पर खड़ा रह गया। अरे सोनू, उस ऑटो वाले को रोको। क्या हुआ साहब, मेरे पास तो पेपर्स, लाइसेंस सब है। तुझे मालूम नहीं क्या, ट्रिपल राइडिंग करना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब, ये तो ऑटो है। मोनू ने ऑटो को भी जब्त कर लिया और अपनी जीप के पैसे रख दिया। दोनों मिलकर ऐसे ही गाड़ियों को रोककर जब्त करने लगे। ये सब कुछ एक प्रेस वाला पेड़ के पीछे से वीडियो शूट कर रहा था। अरे सोनू, आज तो हमें बहुत सारे गाड़ियां मिली हैं। इन्हें बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तभी प्रेस वाले ने गांव वालों को लेकर उन चोरों को घेर लिया और कैमरा में रिकॉर्ड हुए दोनों चोरों की हरकतों को उनको दिखाते हुए बोले, तुम लोग इन गाड़ियों को गांव वालों को वापस कर दो, नहीं तो ये वीडियो असली पुलिस वालों को दिखा देंगे। ये सुनते ही दोनों चोर डर गए और गांव वालों की गाड़ियों को वापस लौटा दिया। और गांव वाले उस प्रेस वाले की चतुराई का बहुत तारीफ करने लगे। रमेश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था और अपनी कंपनी में कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का हिसाब किताब रखता था। वह अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था। सभी मजदूर और ऑफिसर उसकी तारीफ करते थे। रमेश अपने व्यवहार के कारण मजदूरों से अधिक काम ले लेता था। यह देखकर उसके ऑफिसर अमर ने कहा, रमेश, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। शुक्रिया सर, कंपनी ने तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दिया है। रमेश खुशी खुशी बोनस के पैसों से मिठाई लेकर घर पहुंचता है। अरे सुनीता, मिठाई खाओ, मुझे कंपनी ने मेरे काम से खुश होकर बोनस दिया है। तभी अंदर कमरे से रमेश की पत्नी सुनीता का भाई कमल बाहर निकलता है। नमस्ते जीजा जी। अरे कमल, कैसे हो तुम, कहो कैसे आना हुआ। सारा दिन घर पर बैठा मक्खियां मारता है, इसीलिए पिताजी ने आपके पास भेजा है कुछ काम के लिए। अगले दिन रमेश कमल को लेकर अपनी साइट पर पहुंचता है। तभी अमर उसे बुलाते हैं। रमेश देखो, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में तुम्हें बाकी चीजों के साथ मच्छरों का भी ख्याल रखना होगा, साइट पर मच्छर ना पैदा होने पाए। ठीक है सर, लेकिन इसके लिए मुझे एक आदमी रखना होगा। हाँ हाँ ठीक है, रख लो। सर, मेरी बीवी का भाई गांव से आया है, क्या मैं उसे रख लूँ। अमर रमेश को हाँ कर देता है और रमेश कमल को पूरी साइट और मजदूरों के रहने की जगह दिखाता है और वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी देता है और कहता है, कमल देखो, पूरी साइट पर कहीं भी मच्छर ना पैदा होने पाए, उसके लिए तुम्हें जो उपाय करना है वह करो। कमल काम पर लग जाता है, वह कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देता, समय समय पर पूरी साइट पर मच्छर मारने वाला धुआं करता है और जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छर मारने की दवाई डालता है। एक दिन कंपनी का एक बड़ा ऑफिसर साइट पर आता है, उसी समय कमल मच्छर मारने की दवा छिड़क रहा था। मच्छर मारने वाले धुएं और दवा की बदबू से ऑफिसर नाराज हो जाता है और कमल को नौकरी से निकाल देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, साइट पर कोई साफ सफाई नहीं करता और मच्छरों की दवाई भी समय पर नहीं डालता। मच्छरों के पैदा होने से मजदूर बीमार होने लगते हैं और साइट पर काम का नुकसान होने लगता है। जब ये बात ऊपर कंपनी तक जाती है तो बड़े साहब अमर से पूछते हैं, अमर क्या बात है, मजदूर इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं।
अमर कंपनी में सारी बात बताता है कि कैसे ऑफिसर ने सिर्फ बदबू के कारण कमल को नौकरी से निकाल दिया। अमर की बात सुन कंपनी का बड़ा ऑफिसर कमल से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। कमल, तुम्हारी वजह से साइट पर मच्छर पैदा नहीं हो रहे थे और सभी मजदूर स्वस्थ रह रहे थे, कंपनी तुम्हें दोबारा नौकरी पर रखती है। कमल खुश होकर अगले ही दिन से अपने काम पर लग जाता है और साइट पर फिर से साफ सफाई रहने लगती है और मच्छर भाग जाते हैं। सीख, मेहनती इंसान की हर जगह कदर होती है। सुंदरनगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम? अरे कौन, अमित कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गाँव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गाँव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयाँ रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुँचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था, उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया, यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था, बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पर चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया, आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे, जरा जल्दी है। हाय साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वह फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ,
आइए सर, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा, बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। अब आएगा मजा, जब ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया, मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ पैराशूट, तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है। और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। प्लीज सब्सक्राइब।